हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूँ दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे जिंक, उसका पिवट पॉइंट, सपोर्ट एंड प्राइस स्टैंड एंड मार्केट ट्रेंड एंड मार्केट रेंज। तो इसमें देख सकते हैं ये जिंक डेली चार्ट और आज जिंक का पिवट पॉइंट 197.52, फर्स्ट रेजिस्टेंस 199.69 एंड सेकंड रेजिस्टेंस 200.92 एंड थर्ड रेजिस्टेंस 203.09, फर्स्ट सपोर्ट 196.29, सेकंड सपोर्ट 194.12, थर्ड सपोर्ट 192.89। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जिंक, अगर मैंने डेली चार्ट लिया इसमें तो डेली में आप देख सकते हैं जिंक ये एक रेंज में मार्केट, अभी देख यहाँ पे एक रेंज में मार्केट है। तो ये एक रेंज जैसे 193 to 203, तो ये रेंज में मार्केट है अभी डेली में। और यहाँ पे देख और एक बात देख सकते हैं, यहाँ पे जो पहले हायर हाई था इसको ब्रेकआउट कर नहीं पाया, फिर से मार्केट नीचे आ गया। तो इसलिए मुझे लगता है ये मार्केट साइड हुए है, ये पहले हायर था राइट, इसको ब्रेकआउट कर नहीं पाया यहाँ से और ये लोअर पॉइंट। तो इसमें मार्केट एक डबल टॉप पैटर्न जैसा फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, कहाँ 200 मूविंग एवरेज के ऊपर। तो इसमें हम ट्रेड कैसे करेंगे डेली में तो इसमें 200 जो एक रेजिस्टेंस लाइन बना के रखा था इसको ब्रेकआउट करके अभी उसका ऊपर ही एक जोन में मार्केट चल रहा है राइट। तो इसके लिए हमें ट्रेड करना है ये रेंज में ही, जैसे 193 to 203, तो ये रेंज में ही हमें ट्रेड करना है। मार्केट ऐसे एक साइडवे मार्केट में है, तो मुझे लगता है ऐसे ही थोड़ा रुकना है थोड़ा दिन, तो इसलिए ये रेंज में ट्रेडिंग करेंगे। तो पहले हम जाएंगे 4 आवर में भी देखेंगे उसको, तो 4 आवर में आप देख सकते हैं एक रेंज में है ना। तो ये रेंज में ही है मार्केट, हाई ब्रेकआउट एक रेंज में ही है, ये रेंज में है। तो ये रेंज में ही हमें ट्रेड करना है राइट। चलिए इसको थोड़ा, ये रेंज में ही हमें मार्केट है राइट, तो इसमें ये रेंज में ही हम ट्रेडिंग करेंगे। तो 4 आवर में ये देख सकते हैं क्लियरली अप ट्रेंड है, लेकिन प्राइस कंसोलिडेशन है राइट, स्लीपिंग मार्केट में है ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये पोर्शन से अभी तक मार्केट पूरा ये स्लीपिंग जोन में है, ये एरिया में रेंज में है और लेकिन ट्रेंड तो अप ट्रेंड है राइट। तो इसमें हम ट्रेड कैसे करेंगे, तो ट्रेड करने के लिए हमें अभी जाएंगे अभी 15 मिनट में राइट। तो आप देख सकते हैं 15 मिनट में प्राइस डाउन ट्रेंड था, फिर से अप ट्रेंड थोड़ा लिया तो फिर से डाउन ट्रेंड ले रहा है। तो इसमें जो हमें एक रेंज मिला था, रेंज कहाँ मिला था, ये रेंज में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर बाय लेना है तो इसका आसपास में ही बाय लेना चाहिए, और सेल लेना है तो इसका आसपास में ही सेल लेना चाहिए। तो 15 मिनट में अभी हम देखेंगे, ये आप देख सकते हैं स्टोस्टिक भी थोड़ा कॉन्फर्मेशन कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ये मार्केट फिर से नीचे आ गया। तो ये रेंज में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन CCI 0 लेवल क्रॉस किया तो CCI ने कन्फर्म किया है कि मार्केट नीचे आने वाला है। तो मार्केट आएगा नीचे तो कितना आ सकता है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट यहाँ तक आ सकता है राइट। ट्रेडिंग करने के लिए ये रीजन में ही आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे सेल एंट्री लिया तो SL इसका ऊपर में या प्रीवियस जो हाई है वहाँ पे लगाना चाहिए, जैसे ये SL का पॉइंट है ठीक है। बुक प्रॉफिट आपका रहेगा ये, लेकिन ये आपका स्विंग ट्रेडिंग के लिए होगा क्योंकि इसका थोड़ा टाइम ले लेगा यहाँ तक पहुँचने में। तो अगर हम छोटा टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट में देखें, ये हो गया 5 मिनट। 5 मिनट में आप देख सकते हैं ये मार्केट लोअर लो क्रिएट कर रहा है राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हायर हाई था मार्केट, फिर से ये हायर, ये पहले जो हायर पॉइंट था इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, फिर से मार्केट हायर लो बना रहा है राइट। इसको लो, इसको हायर लो, तो इसमें फिर से बाउंस बैक होकर मार्केट नीचे आने का चांसेस है यहाँ से राइट। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया तो SL इसका ऊपर ही लगाना चाहिए राइट। और जो टेक प्रॉफिट होता है, टेक प्रॉफिट आपका 1 आर इक्वल टू 2 आर में करना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे कितना होगा,
इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम ऐसा लगाया यहाँ पे तो यहाँ कितना होगा 97. ऑलमोस्ट 1 रुपीज का नीचे लगाया तो 2 रुपीज का बुक प्रॉफिट रहेगा आपका, अराउंड 2 रुपीज ये आपका बुक प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।